अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अबाई जी यूट्यूब चैनल। भाजी की हाल चाल जी, ठीक हो? अज का ब्लॉग पूरा वेखियो, मज़ा आएगा तुहानू। बहुत ज़्यादा इनफॉर्मेटिव वीडियो देन लगा मैं। साढ़े ना जो बकूआ होया ना वो जे ध्यान ना वेखियो। माचिस दो, जरा माचिस दो। हैलो माचिस, सर माचिस गर्मी पानी गर्म करना। हाँ अच्छा टाइम माचिस आ सिगरेट पीनी। बड़ा हरामी हो बेटा। माचिस लो भाई दोस्तों, टाइम हो गया है 3:15, ते आप सुते हाँ 8:30 बजे। इस हिसाब न 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 घंटे सो लिया। Not bad, not bad। ते अख खुल गई आप हूँ। मैं चलो व्लॉग बना लीए ते व्लॉग बनाने मेरे ना मेरे ना बापू की अख बड़ी कच्ची जी। मैं बस उठ के जो कहना ना गुड मॉर्निंग और सोया पाया, मतलब कि एवें लगता है कि पक्की नींद सुते, लेकिन मासा जी आवाज़ नाल कर दो ते उठ पैंदे ने। ते बहुत मसला है, सानू व्लॉगिंग नहीं करन देंदे, कहिंदे ये काम नहीं सही। हुण असीं इहनां नूं किवें समझाईए? अच्छा हमको सिखा रिया है। ते चलो यार, तुसी ना मेरी वीडियो नहीं बेंदे, बहुत तेनू परेशानी लगी ताड़ी। अल्लाह तेनू हदायत दवे। मैं तो तेनू कह ही सकना पई, मैं हुण जा जा के ताड़े। अरे कहना क्या चाहते हो? वो मतलब आ के ताड़े कोल तेनू समझा ते नहीं सकदा पई। मेरी वीडियो वेखो बस भाजी, असी तो इन्ना ही कह सकने कि वेखो तो वीडियो वेख्या करो, सोने हो कुछ नहीं होता। तो यार मैं आया किधर सा, गैस चेक करन आया सी। मैं चलो गर्म पानी करके पीने हाँ। अरे यार पता नहीं कि मैं गया सी जे आहो, तुहानू वाकया सुनाना अज दा खास वाकया। मैं तुर गया सा उकाड़े, उत्थे मैनू किसी ने बुलाया, कहंदे भाजी काम में ऑफिस वर्क। मैं क्या, मैं एफए पास, मैनू दफ्तरे किने रख लेना। बात तो सही है। बंदा ही कहंदा ही कंप्यूटर दा काम है। मैं क्या अच्छा, मैनू कंप्यूटर दा काम मिल गया, मैं बड़ा खुश भाई। मैं बैग नवा लिया टायर वाला, मैं तैयारी श्यारी की, गैस भी चेक कर लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, गैस कोई नहीं है। ते मैं तैयारी की, मैं क्या चलो यार अल्लाह ने लादा सुन ली साड़ी। मैं तुर पिया भाजी, इतों बैठा 11 बजे गड्डी ते बत्ती चौक बस ते बैठा उकाड़े। अगे दो मुंडे आ गए लैन, सर सर आ जाए भाई। मैं क्या लगता भाजी अफसर ही काम है, मैं आंदी लगता अफसर लग गया। इन्नी इज्जत, बड़ी उन्हें इज्जत दी सानू। ते वह बंदे अगे पिछे। मैं गया सर आपका ना इंटरव्यू होगा,
सबसे पहले आपका हमारे बॉस इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद आप हमारी कंपनी को अगर पास हो गए तो क्लियर कर जाएंगे, आप एडजस्ट हो जाएंगे। मैं ठीक है सर। ओ भाजी वही मेरे के जिदा ही मुंडा ही GM लगा सी। मैं क्या बात है, मैनेजर साहब अपने इंटरव्यू लेंगे। मैं बड़ी गल है यार, मैनेजर मेरा इंटरव्यू लूगा। ओ भाजी मैनेजर की मैं गया, मैनेजर साहब कमरे च बैठे, वो मेरा जरा मैंने जिदे रेफरेंस ने गया, वो मेरा हाथ फड़ के, सर सर ये बच्चा आया। मैं बड़ी गल है यार, सर ये बहुत मेहनती लड़का है। उन्हें मैं सामने बात आ, लो जी इंटरव्यू शुरू हो गया। आप कहाँ से आए? मैं कितना पढ़े? मैं 12। अच्छा तो आप पहले काम किया? मैं नहीं सर, पहली दफ़ा ही जिंदगी च पहली दफ़ा काम करन लगा, मैं तो घरों आज निकले। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या जानते हैं आप ऑफिस वर्क के बारे में? मैं कुछ नहीं जानता, तो आप कैसा लगा मेरा मजाक? कैसे एडजस्ट करेंगे? मैं बस कोशिश ये भाजी कर लाँगे, टाइम काम लियो। उन्हें कदों सवाल पूछे मैनू ना आए, वो सच है पूछया। अच्छा 100 में 9 कितनी दफ़ा आते हैं? 100 में 9 कितनी दफ़ा आता? मैं सॉरी सर भाई, आप सॉरी, आप घर जाए। और जरा रेफरेंस सी, ओ सर प्लीज़ मौका दे, सर प्लीज़ मौका दे। मैं हैरान यार, उन्हें कहता है सॉरी सर, ती मौका दे। ते नहीं, अच्छा चलें यार, आपको मौका दिया जा रहा है, क्या बोला तूने? आप हम अपनी कंपनी में एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें 5,000 जमा करवा दें। मैं 5,000? वो आपको पता है आपका कार्ड बनेगा, फिर आपको रहाइश का एक दफ़ा ही पैसे देने पड़ेंगे। मैं अच्छा, मैं शदाइयों को पैसे देते, मैनू उत्थे शक जहा पै गया सी। बाकी मैं चलो, हूँ भाई वो बंदा मैनू लै गया, सारी दिहाड़ी उन्हें मैनू पैदल तराया, कुछ भैन 6 किलोमीटर तो उन्हें मैनू तोड़ तोड़ के मार छड़िया, तो खवाए कि वो पोपड़ नहीं होंगे, पोपड़ बदामने दे, वो खवाए बस। मैं तेरा बेड़ा तर जे इन्ना तड़ा के मैनू इत्थे लाए आ। मैं उन्होंने पूछा यार कंपनी बारे दस, काम बारे दस। भाई तुसी टेंशन लो ही ना, काम तो एडा सौखा है, एडा सौखा है, वधिया काम है। मैं अच्छा, मैं बड़ी गल, मैं लगता काम सानू वधिया ही लभ गया। वो भाजी वो बंदा अगे पिछे इन्नी कि इज्जत, मैं क्या मेरी कभी घरदियाँ इज्जत नहीं की इन्नी जिन्नी है। मैं जब इधर जवाइया इन्हें, ये मेरा साला है। तो भाजी भाई तुसी चाय पियोगे? भाई तुसी रोटी खाओगे? मतलब कि बड़ी सेवा करे। मैं क्या काम बारे दस यार मैनू। कहिंदा काम बारे तो सर तुहानू सुबह कंपनी च जाओगे पता लग जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, इंजॉय करो, हले इंजॉय करो, सुबह सब पता लग जाएगा। मैं चलो बेहने, मैनू रात नींद ना आए, मैं पता नहीं केड़ा काम है, भैन है दसदा भी नहीं पिया। सवेरे गए मोटिवेशनल स्पीकर साहब आ गए ने, लम्मी मोटिवेट करके गरीबा नू, खोते चारा नू मोटिवेट करके, ये दोस्तों टाइम्स है। और ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। मैं तेरी फैन हूँ। और मैं क्या कितने फंस गए। और सर मेरा तो दिल करता ही मैं उत्थे ही उन्होंने फर लाँ, लम्बे पाला, पर मैं क्या, मैं बड़ा अपने आप को संभाल लिया, मैं अज सबर कर लिया थोड़ी देर, हमला मैं उन्हें बाहर जाके फर लिया। मैं तेरी भैन अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। तू क्या ऐसी बड़ा है, कंपनी है, मैं इतने टूटे ये टेबल लगे ने, कुर्सियां लगी हैं, एक दूजे ओ ही गल्ला मोटिवेट, आप ये करें, आप ये करें, इतना आपको ये प्रोडक्ट खरीदें, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। मैं चल रही, कहंदा नहीं भाई हूँ आए हो तो वेख लो, एक दफ़ा 4 दिन की ट्रेनिंग ले लो।
पैसे मैं सोचा यार 5,000 दिता है इन्हें सालियाँ मैंने वापस नहीं करना। चलो 4 दिन ये को रोटी तो खाव। चलो मैं चलो रायश भी है रोटी 4 दिन ये को खाना चाह चू पीना कोई तो हरजाना पूरा हो कोई तो पैसे वापस आन गए इस बने मैं नाले इन्हों का मैं वेखा की हिसाब किताब किंज लोगों ने शदाई बना रहे ने। मैं भाजी बह गया 4 दिन उन्हें ट्रेनिंग दी कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर शफीक साहब सदीक साहब कार अचीवर ये अचीवर वो अचीवर आप आए चार 2 पैरों पे हैं जाए 4 टायरों पे जाएंगे 4 टायरों पे 2 साल हमारे साथ लगाए और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ओ भाजी इन्ने भाजी बेचारे खोते 4 लोग पिंड चो उठ के आए ही उन्हां दियां फीलिंग्स दे नाल ऐ खेडदे ने जिवें सवाब दा काम है ते मतलब बंदे नूं बहुत ना गलत गाइड करदे ने। एक ते बंदा अगे मजबूर हुंदा उतों दी मजबूरियां ना होर अपने फायदे लई देखो ना तुसी फर्ज करो 300 बंदा गया 300 बंदे को ना 5,000 तो पहले हाथ ही खिंच लेना ना 5,000 के हिसाब ना 300 बंदे का मेरे ख्याल ना 15 लाख रुपया बन जाता 15 लाख तो उन्हें बैठे बैठे कमा लिया। वो 3 दिन जो पहले कोई पहले दिन नाच जाते ने कोई 3 दिन की ट्रेनिंग लेंदे कोई रोटी राज का खर्चा चलो यार 4 लाख ला लो 5 लाख ला लो निकल गए। तो फिर जेडे फसने ने मोटिवेट कर लेने ने उन्होंने जाल च फसा लेने ने उन्हें को उन्हें लेना फिर 60-60,000 रुपया तो उन्होंने चीटोसोन तो पीटोसोन तो सैपरोलीना क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप एक कैप्सूल दे देने ने नाल एक अद्धी मशीन होंगी वह सिर न मालिश करी दी है वह इतों भी मिल जाती मैं ना स्टोर तो भी मिल जाती एड्डी महंगी नहीं होंगी एवं कोई 2-3 हज़ार की होंगी तो वो भाजी सर हमारे पास मशीने है वो फिर फूड बर जड़े होंगे नी की कही सब्जियां सुब्जियां साफ करने लिए एक मशीन होंगी है और रखी दी है बेच पैप तो क्लीन कर दें वो मशीन सी उस अभी 60,000 रुपया मंगते पे सर वो मशीन कली 35,000 की हिसाब ला लो 35,000 की कहते हैं मशीन जी बाजारों वाले 3-4 हज़ार की मिल जाती आप ये बेच के हम आपको बिजनेस दे रहे हैं हम आपके साथ हमने आपको नौकरी नहीं देनी बिजनेस देना क्योंकि दुनिया में बिजनेस मैन कामयाब होते हैं। मैं ताड़ी पहन हूँ बिजनेस माँ खराब हो जाएगा मैं माँ बम्मा बहन पे मैन के लिए बिजनेस मैन लुटन डे बैग 4 दिन भाजी आप उतो ट्रेनिंग ली जिंदगी सीख लिया भाजी चूना लग गया है हाँ फिर 4th दिन पाया बस्ता वो कहता भाजी तुम 35,000 कर लो बाकी असी कर लाँगे और मैं क्या तुम्हें मेरी 35 दफ़ा मैं माफ़ी चाहना मैनू जान दियो वो सर जान ना दे मैं क्या तुम मैनू शदाई नहीं बना सकते बाकी बेचारे लोग सर तुसी यकीन करो मुंडा सी वो इन्ना क खुश ही कि उन्होंने नौकरी मिल गई उन्हें बेचारे ने घर फोन किया 60,000 का पता नहीं वो घर वाले किंज अरेंज किया तो वो जरा लै गया हाथ चुमता ही भाई तू मेरा काम बनाता ऐ नहीं पता हूँ मैनू यकीन है भी बेचारा उत्थे रोलता होना गाला ही कड़ता होना ते तुहानू बेनती है तुहानू कोई भी इंज दा कोई काम कवे कि ऑफिस वरग के ऐ वरग के काम बारे ना दसे टाइम्स कंपनी बारे ना दसे कवे कि भाजी मैट्रिक पास हो इंटर पास हो कुछ नहीं आता इत्थे आयो तुहानू बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी तो भाजी चुप करके ना घर बैठे रहो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5,000 ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਗਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ 60 ਮੰਗਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਨ ਹੈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਫੱਕੀ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਗੋਲਡਨ ਕੈਪਸੂਲ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਨਦਾਨੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਕੈਪਸੂਲ ਜੇ ਗੋਲਡਨ ਕੈਪਸੂਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਖਾ ਲਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ ਐਜ਼ਾ ਪੀੜਕਾਨ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਅਲਸਰ, ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਕਬਜ਼, ਮੈਦੇ ਦੇ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਭ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ MBBS ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ, ਐਵੇਂ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਇਕਬਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੱਕੀ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਤਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਮਨੂ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਫੱਕੀ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਫੱਕੀ ਖਾਓ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਟੀ ਪਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਫੱਕੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਫੱਕੀ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਫੱਕੀ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਅਦਵੀਆਤ ਚਾਈਨਾ ਮੇ ਪਹਾੜੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਸਰਦੀਆਂ ਕੇ ਮੌਸਮ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਗਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰ ਡੇਢੋਂ ਬਰਫ਼ ਕੀ ਜਮ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋ ਖੁਦ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਬਰਫ਼ ਕਾ ਮੌਸਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਬਰਫ਼ ਹਟਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਕਿ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਟੂਰ ਪਰ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸੇ 15-15 ਦਿਨ ਕਾ ਟੂਰ ਲੇ ਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਅਦਵੀਆ ਵੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜੋ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਕੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ 15 ਲੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਹਮ ਅਦਵੀਆਤ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। ਖਾਓ ਮਾਂ ਕਸਮ, 1 ਕਿਲੋ 15 ਲੱਖ ਕੀ, ਉਸਸੇ ਹਮਾਰਾ ਯੇ ਚੀਟੋਸਨ ਸੈਪਰੋਲੀਨਾ ਹਮ ਆਪਣੇ ਅਦਵੀਆਤ ਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਜਜ਼ਾ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਤਮਿਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਲਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰੁਕੋ ਜਰਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2 ਦਫ਼ਾ ਫਸਿਆ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕਾ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਥਾ ਤੋ ਆਪਕਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡੀ ਸਮਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕੋ ਬਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਲਈ ਆਪਕਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਤੇ 600 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, 620 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ 500 ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 500 ਲਾ ਕੇ 12,000 ਆਏ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ।
उन्हें नंबर सेंड किया, कहते इसकी आप करवा दें 500। मैं कराता, वो आया कौन, कहता यार आपकी ना वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है, आपको 100 रुपये का और करवाना पड़ेगा ना, कोई बिलिंग में प्रॉब्लम आ गई है। मैं अच्छा, मैं भाई ख्याल करो माड़ा बंदा, कहते नहीं नहीं हो गया आपका काम हो गया, मैं कराता, कहता आप 10 मिनट बाद हमें बैक कॉल करें, नहीं बल्कि हम खुद करेंगे आपको बैक कॉल, और आपके अकाउंट जायज कैश है मैं है उसमें आप ट्रांसफ़र कर देंगे इंशाल्लाह भी हो जाएगा। मैं क्या मेरा बैंक अकाउंट कोई मसला नहीं, आपके जायज़ कैश में कर देंगे। मैं ठीक, 10 मिनट बाद भाजी, भाजी मैं ना फ़ोन किया उन्हें चुकया ही ना, मैं 10 मिनट बाद फिर किया उन्हें चुकया ही ना, 10 मिनट बाद फिर किया उन्हें चुकया, हाँ जी भाई कौन, मैं सर वही जिसने अभी 600 का बैलेंस करवाया आपको। अच्छा अच्छा भैया आपका काम हो रहा है, फिक्र ना करें। मैं ठीक है सर, प्लीज़ हो जाए तो मेहरबानी होगी। तो भाजी उस तो बाद मैं फिर कॉल करता रहा, वो बंदे ने फोन नहीं मिला चुकिया, वो चूना लगा दिया, वो नंबर ही बंद हो गया। तो साढ़े ने भी दा लगा है, तो एडी जे साज प्रोग्राम कोई 15 तोले जेवर, तो कभी कुछ तो कभी ये सब टाइम से जे, तो इन दे कमां तो बचो, जिमें अं फसे तो ही ना फसे हो भाजी, मेहरबानी होगी, तो साड़ी गैस कोई नहीं आई। तो हूँ असी हूँ वेट करांगे 5 बजे तक, नाल नमाज पढ़ांगे, नाल फिर उदो तक कोई नेटफ्लिक्स चलाने। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। चलो जी अज का ब्लॉग सी है, तो आई होप तुहानू पता लग्या होगा, तुहानू काफ़ी इनफॉर्मेटिव वीडियो देती है जी टाइम्स के बारे, तो बचो जिन्ना बच सकते हो इन्होंने चीज़ों तो, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो के नाल हाजिर होवांगे। ये यार नाले तुसीं कहंदे होगे यार बंदा किचन च लग्या रहिंदा, यार साढ़े ना मैनू मज़ा इतने आता, इतने ना जरा लाइट अच्छी फोकस होंगी, तो नाले इतने शोर नहीं एडा हों, अंदर डिस्टर्ब करांगा सारे ना फिर मसला आएगा। तो चलो आज की वीडियो में लाइक जरूर करना, साढ़े ओ बाय जी यूट्यूब चैनल में सबसक्राइब करो, ताकि जो मैं वीडियो बनाव तुम पता लग जाए बी हमजा पंजाबी ने वीडियो बनाती तो जाके वे ली है, जरूर वेखो ये टाइम्स बड़े बड़ी अच्छी वीडियो जे, तो सानू अपनी दुआवा च याद रखियो, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो ना मिलेंगे, तो तुम मज़ा आया करेगा यार साड़ी वीडियो वेखन का, तो साढ़े चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना। ओके अल्लाह हाफिज़।